जीवन में डूब पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु को कि प्रभु अद्भुत तरीके से हम सबके जीवनों में कार्य कर रहा है आज हम लोग बाइबल में से एक वर्ड्स पर मनन करने जा रहे हैं और बाइबल में जब आप भजन सीता इसका एक सौ अठारहवा अध्याय और इसकी छठवीं आयत पढ़ते हैं साम चैप्टर 118 वर्ड्स सिक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉर्ड इज ऑन माई साइड आई विल नॉट फियर हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है यहोवा मेरी और है मैं ना डरूंगा इन दिनों में शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है मनुष्यों के लिए वो है लोगों के जीवन में फियर को क्रिएट करना डर को क्रिएट करना और वो डर अलग अलग प्रकार के होते हैं कोई व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ में इनसिक्योर है और वो हर चीजों में डर रहा है मेरा भविष्य कैसे होने वाला है मेरे भविष्य में सब कुछ बेहतर होगा या नहीं मेरे भविष्य में परमेश्वर सब सही सॉरी <coughs> परमेश्वर सब सही होने देगा कि नहीं मेरे भविष्य का आ, क्या होने वाला है कुछ लोग इनसिक्योर और फियर में है कि उनके जीवन में सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा कुछ लोग इस बात के फियर में हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है कुछ लोगों को फियर है कि शायद वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे कुछ लोगों को मृत्यु का फियर है और कई प्रकार के फियर या डर जो है वो शैतान ने लोगों के मनों में डालकर रखे मगर आज की सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस प्रकार दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा आपके जीवन में ये वर्ड रोज आपको काम में लाने की जरूरत है हर सुबह आपको कहने की जरूरत है कि यहोवा मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा यहोवा मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देख रहे हैं आपको इस बात को प्रोक्लेम करना है यह मेरी ओर है मैं ना डरूंगा आप, आप जब भी किसी अपने लाइफ में कोई स्ट्रगल को देखते हैं आपको कहना है यह मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा आप अपने लाइफ में किसी फेल्योर को देखते हैं उस फेल्यूर को देखने के समय आपको इस बात को कहना है यह मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा चर्च जब आप इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे दाऊद कह रहा है कि यह मेरी ओर है इसका मतलब वो इस बात को जान रहा है वो इस बात को कह रहा है कि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है और यदि वो मेरे साथ खड़ा हुआ है मैं कैसे हार जाऊंगा मैं कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा मैं अपने अपनी लाइफ में कैसे विषय को नहीं देख पाऊंगा उसे इस बात का अंदाजा था कि यदि यहुवा मेरी ओर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि हम यहोवा हमारे साथ है यहोवा हमारे साथ है मगर सेम टाइम पर हम डरने लगते हैं जब हम लोग इस बात को समझते हैं कि यहोवा हमारी ओर है हमारे अंदर से डर हमारे अंदर से भय निकल जाना चाहिए अपने भविष्य में कुछ खोने का डर हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए अपनी लाइफ में हमारे लाइफ में हमारे भविष्य में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा इस बात का फियर हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए मैं कई लोगों से मिलता हूँ इन दिनों में जो अः कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ है और जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में मैं कई प्रकार के डर को देखता हूँ उनका सबसे बड़ा डर मृत्यु होता है उन्हें डर लगता है कि कहीं वो मर न जाए उन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उनका फियर कोई, कोई, कोई से, से वो हर दिन परेशान हो रहे मगर बाइबल कहती है दाऊद राजा कहता है यहवा मेरी और है मैं नहीं डरूंगा जब आप इस बात के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस होते हैं आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि यहोवा आपकी ओर है तब आपके अंदर का फियर चला जाता है आज की सुबह में मैं इस छोटे से वर्ड्स को ही आपके अंदर डालना चाहता हूँ आप जब भी सुबह उठे इस बात को आपको कहना है कि यहोवा मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा जब आप इस बात को रिकॉग्नाइज करते चर्च आप में एक अद्भुत सामर्थत आती है दाऊद राजा जो इस अध्याय को लिख रहा था ये वो राजा है जिसने अपनी लाइफ में कई बैटल्स को देखा यदि आप दाऊद राजा के विषय में बात करें दाऊद राजा वो राजा था जिसने जो उस समय का सबसे धनाढ़ और प्रभावशाली राजा था उसने कई देशों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किंग था और जब वो कई लड़ाइयों को लड़ता था कई जगह पर विजय प्राप्त करता था उसके विजय प्राप्त करने का जो जो सार था या समृ थी या उसका सीक्रेट था वो ये था कि वो इस बात को जानता था कि यहवा उसकी ओर से है और उसे डरना नहीं है जिंदगी की परिस्थितियों में डर आपके जीवन की ब्लेसिंग को खा जाएगा डर आपकी आशीषों को खा जाएगा डर आपको हरा देगा डर आपके जीवन में उस उत्साह को खत्म कर देगा डर आपके जीवन से आनंद को छीन लेगा डर आपके जीवन से प्रभु के उन ब्लेसिंग को उन प्रोमिस को छीन लेगा मगर यदि आप डर में नहीं है और इस बात को जानते कि यह आपकी ओर है आप अपने जीवन में विजय को हासिल करेंगे हम सब हर बार दाऊद के विषय में इस बात को जानते हैं कि कैसे उसने गोलियात को मारा मगर हम इस बात को हर समय भूल जाते हैं उसका ये कहना कि मैं यहोवा के नाम से लड़ने के लिए जाता हूँ इस बात को दर्शाता है वो गोलियात के हाइट साइज उसके कद काठी को देख बिल्कुल नहीं डर रहा है वो इस बात को देख रहा है कि जो यहवा उसकी ओर से जा रहा है उसकी हेल्थ हाइट कद काठी उसकी सामर्थ्य क्या है हम जब हमारी परेशानियों से लड़ने जाते हैं हम कई बार परेशानियों पर फोकस हो जाते हैं हमारी परेशानी कितनी बड़ी है हमारी समस्या कितनी बड़ी है हम सेम टाइम पर यह भूल जाते हैं कि जो यह आपकी ओर से जा रहा है वो किस लेवल का है वो कितना बड़ा है उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है हम उस समस्या के पावर को देखते हैं हम उस समस्या की समस्या की अहमियत को देखते हैं मगर हम परमेश्वर की अहमियत और परमेश्वर की सामर्थ को देखना भूल जाते हैं आज की सुबह में मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूँ आपके अंदर किस बात का फियर चल रहा है आपके, आप, आपके जीवन में किस बात के फियर से आप लड़ रहे हैं फाइनेंशियल फियर आपके जीवन में आपकी हेल्थ को लेकर कोई फियर चल रहा है आज की सुबह में आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस फियर को किल कर दीजिए उस फियर को हटा दीजिए और उस फियर को हटाने का एक सबसे बढ़िया कारण या फिर सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपने जीवन में इस बात को मान ले कि आपके साथ यह खड़ा है बाइबल कहती है बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का एक नाम जिसे हम इमानुएल कहते हैं और इमानुएल का ये अर्थ है यहोवा हमारे साथ है यहोवा हमारे साथ सदैव है जब आपके साथ यहोवा है आप फिर क्यों डर रहे हैं जब आपके साथ यहोवा है आप क्यों निराश हो रहे हैं जब आपके साथ यहोवा है आप क्यों भय खा रहे हैं जब आपके साथ यह हुआ है आप अपने जीवन में क्यों हताश और निराश महसूस कर रहे हैं जब आपके साथ यह हुआ है आपके अंदर फियर क्यों आ रहा है चर्च हालेलुया। इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है हम मनुष्यों से डरते हैं इस बात को भूलकर कि हमें यहवा से डरना है हमें यहवा के उपस्थिति में रहना है हमें इस बात को जानना है कि यहवा हमारी ओर से लड़ रहा है बाइबल में ऐसे मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ बाइबल में ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं मैं गिदौन के उदाहरण को, को आपको दे सकता हूं मैं दाऊद के उदाहरण को आपको दे सकता हूं मैं यह के उदाहरण को आपको दे सकता हूँ ऐसे कितने ही शूरवीर हुए जिन्होंने यहोवा के साथ रहकर अपने युद्धों को लड़ा और वे जीत भी गए इंपॉर्टेंट बात इन युद्धों में ये थी कि परमेश्वर ने उनकी स्ट्रेंथ को जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो कम कर दिया गिदोन के साथ जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसको कम कर दिया इस बात को साबित करने के लिए कि तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ नहीं सकते और जीत नहीं सकते तुम्हारे लिए मैं काफी हूं जब आपके साथ यह है वो काफी है आपको जिताने के लिए मैं बिलीव करता हूं कि सेनाओं का यह आपको जीत दिला चुका है मैं बिलीव करता हूँ कि सेनाओं का यह आपके साथ है और आपको जीत दिला रहा है। यदि हुए।, हुए आज की सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बाइबल वर्ड्स हमें अंग्रेजी भाषा में कहता है द लॉर्ड इज ऑन माई साइड आई विल नॉट फियर हाली मैं चाहता हूँ आप अपने घरों पर ऐसी म्यूट रहने दीजिए मगर इस बात को कहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है मैं नहीं डरूंगा परमेश्वर मेरे साथ है मैं नहीं डरूंगा परमेश्वर मेरे साथ है मैं नहीं डरूंगा और एक छोटा सा डर भी आपके अंदर से निकल जाए एक छोटा सा फियर भी आपके अंदर से निकल जाए आपके अंदर से वो डर किसी भी प्रकार का क्यों ना आइए क्यों से निकाल देते हैं आइए क्यों से फियर को निकाल देते हैं क्योंकि यहोवा आपके साथ है हालेलुया मैं इस बाय इस वर्ड्स को बार-बार आपकी लाइफ में मैं डालना चाहता हूँ मैं आपके माइंडसेट में इसे डालना चाहता हूँ कि आपके अंदर का डर चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना वो निकल जाए और आप यहोवा की स्ट्रेंथ में बने रहें आप इस बात को जानते रहें यहोवा आपके साथ है बीते संडे को हमने इस बात को सीखा था कि पुनरुत्थान हमें इस बात को सिखाता है कि यह यीशु मसीह जीवित है पुनरुत्थान हमें इस बात को रिमाइंड करवाता है यीशु जीवित है सो यदि ये यीशु जीवित है और यदि मानुअल का अर्थ है कि वो हमारे साथ है इसका मतलब यह है कि वो जीवित भी है वो हमारे साथ भी है तो फिर हम क्यों डर रहे हाली लुया आपकी प्रेयर आंसर होने में टाइम लग सकता है आपके शत्रुओं के खत्म होने में टाइम लग सकता है आपकी समस्या रूपी शत्रु के खत्म होने में टाइम लग सकता है मगर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जीवित यह आपके साथ है और आप हार जाएंगे हाली आज की सुबह में मैं आपको ढांडस बांध कर कहना चाहता हूँ यू शुड नॉट फियर बिकॉज द लॉर्ड इज विध यू आपके आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हुआ आपकी ओर है सो प्रभु आप सभी को आज की सुबह में इस बात से इनकरेज करने पाए कि वो सेनाओं का यह स्वयं आपके साथ है और आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है वो आपकी ओर से लड़ेगा और कभी हाथ नहीं छोड़ेगा हले सो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बातचीत करी है छोटा सा वर्ड है छोटी सी बात है छोटा सा पॉइंट है बस आपको अपने माइंड में इसे लेकर आना है कि वो वो सेनाओं का यह हुआ वो आपके साथ में है और आपको डरने की जरूरत नहीं है आले आपको किसी बात से किसी परिस्थिति से किसी व्यक्ति से किसी सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है यह आपकी और है हालेलुया सो so, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे विश्वास करता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है जहां पर वो फियर से डर से घिरा हुआ है आज से वो डर आपके अंदर से यीशु के सामर्थी नाम में निकलने पाए और इस बात को आप जानने पाए कि यहोवा आपकी ओर है प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है सो so, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे आशीषित करे सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम जय मसीह